नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं निवृत शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। जी हां, नर्मदा जिले में 31वां राष्ट्रीय मार्ग सलामती सप्ताह मनाया गया। नर्मदा जिले के लोगों में ट्रैफिक के नियमों की जागरूकता लाने के लिए पुलिस द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और रैली निकाली गई। रैली में मार्ग सलामती के प्लेकार्ड्स बच्चों द्वारा आमजन को बांटे गए। यह रैली सूर्य दरवाजा से निकलकर राजपीपला के मार्गों में घूमकर राजपीपला गार्डन पर पूर्ण हुई। एआरटीओ विभाग और डायरेक्टर एसपी राजेश परमार ने बच्चों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जरूरी मार्गदर्शन दिया। गुजरात नर्मदा से गौतम व्यास की एक रिपोर्ट। जे 31वां मार्ग सलामती सप्ताह की उजवणी आज रोज नर्मदा जिला में आरटीओ ने पुलिस संयुक्त उपक्रम में करवामां आवेली छे। ए बाबते बाळकोनी रेलीनुं आयोजन करेलू छे अने पूरा टाउन में फरी रेली मार्फते जागृति फैलावी अने आनी उजवणी करवामां आवे छे। परंतु एक आ सरकारी राहनी फक्त उजवणी न करता साचा अर्थ में लोको सुधी आ संदेशो पहोंचे अने वधु ने वधु लोको आना प्रत्ये जागृत बनी हेलमेट सीटबेल्ट ना जे छे प्रोविजन सरकार श्री द्वारा लागू करेला ए पोते अमल में लावे एवी अमारो उद्देश छे। अने जे जिल्ला में जे ट्राफिकनी जे संख्या छे एमां घटाड़ो थाय एवो अमारो ने आरटीओ बनेनो उद्देश छे।